मैं जरूर चाहूंगा कि उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। मैंने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुना है और मेरा 53 साल का राजनीतिक जीवन है। मैं पहले विधानसभा का मेंबर था लेकिन मैंने आज तक दिल्ली के किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया तकरीर करते हुए इस हाउस में नहीं सुना होगा। आपने अल्पकालिक चर्चा शुरू करवाई और चर्चा में भाग लेते हुए मैंने ये आरोप लगाया कि जब नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई, शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, इससे शराब के ठेकेदारों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ, कानून का उल्लंघन करके रिहायशी क्षेत्रों में सैकड़ों शराब के ठेके खोले गए और उसकी एवज में शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार को मिला। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब की बिक्री का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे कर दिया। हमारे कानून कायदे और नियम ये कहते हैं कि इसके लिए दिल्ली पुलिस की एनओसी और अनुमति जरूरी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस से ना अनुमति ली गई और ना ही एनओसी ली गई, यह भी कानून का उल्लंघन था। हमने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कार्रवाई सीबीआई और ईडी कर रही है, यह शिकायत सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, यह शिकायत तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के महतहत कार्य करते हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने 144 करोड़ रुपया की लाइसेंसिंग फीस में शराब के ठेकेदारों को छूट दी है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अनुमति नहीं ली गई, यह कानून का उल्लंघन है, यह गैर कानूनी है। 30 करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों का और माफ कर दिया, उसके लिए भी उपराज्यपाल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अप्रूवल नहीं ली गई। और तीसरी बात यह कही गई कि जो विदेशी शराब थी, पर बियर की बोतल पर 50 रुपया कम कर दिए गए और उससे शराब के ठेकेदारों को सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। सर, ये सारे तथ्य हैं सामने में मार्केट में पहले से ही, सिर्फ ये हम लोग जानना चाह रहे हैं, सुनाई है सदन में, क्या आपको लग रहा है कि सदन की बैठक सिर्फ इसलिए बुलाई गई कि ये कहानी सुनाई जाए, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैंने कहा है कि मेरा 53 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं पहली विधानसभा का भी मेंबर था, लेकिन आज मैंने श्री अरविंद केजरीवाल को हाउस में बोलते हुए सुना है। मैं जरूर चाहूंगा कि उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हाउस में जिस घटिया स्तर पर उतर आए, मुद्दे पर नहीं बोले, अल्पकालिक चर्चा हो रही है सीबीआई ईडी के रोल पर, और जो कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने या मेरे द्वारा अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मंत्री के ऊपर लगाए गए, उसका जवाब नहीं दे पाए, इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो नई शराब नीति लागू की उसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसकी जांच भी उन्हीं के चीफ सेक्रेटरी ने की, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच कर रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि
दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की इसमें पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने अपराध किया है। सत्येंद्र जैन के बारे में भी यही मानना है हाई कोर्ट का,